ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो मेरे पास हो, जिस चीज पर मेरा अधिकार हो और जिस चीज को मैंने पैसे देकर खरीदा है। देखिए, कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें दूसरों की होती हैं। जैसे जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका नहीं हो, वो आपके डैडी का हो, लेकिन रहे आप रहे हैं, यस, तो वो आपका नहीं है, वो आपके डैडी ने खरीदा है, उन्होंने पे किया है पैसा, तो उस घर पर किसका अधिकार है? पापा का या मम्मी का। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये वॉच मैं मार्केट गया, मैंने इसको खुद खरीदा, इसका पेमेंट बिल मैंने पे किया और इस चीज पर मेरा अधिकार है। तो ऐसी कोई चीज जो हमारे पास हो, मतलब कि मेरे पास मेरा अधिकार और वो चीज मेरी है, तो कैसे बोलेंगे और कैसे बताएंगे कि ये मेरे पास एक वॉच है। लेट्स स्टार्ट। पहले एक चीज क्लियर कर ले, जो चीजें गिनी जा सकती हैं या जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो होती है काउंटेबल। और ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं या हम काउंट नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल। ये पेन है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, मतलब कि अगर पेन चार पांच लेकर आ जाए तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको ले काउंटेबल। लेकिन इसके अंदर जो इंक लगा हुआ है, इंक भरा हुआ है इसको, तो ये इंक जो है लिक्विड है उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल। इसको बोलेंगे काउंटेबल। तो ये अभी मेरे हाथ में कितनी है? एक ही। अब ये किसकी है? मेरी। अगर मुझे बताना है मेरे पास एक घड़ी है, लेट्स स्टार्ट, मेरे पास एक वॉच है, लेट्स स्टार्ट, तो कैसे बताएंगे? अब पहले सुन लीजिए, लेट्स स्टार्ट। ऐसी कोई चीज जो मेरे पास है, जिस पर मेरा अधिकार है और जिस चीज को मैंने पैसे देकर खरीदा, लेट्स स्टार्ट। कोई भी चीज अगर मेरे पास है तो मैं कैसे बताऊंगा? कोई भी चीज मेरे पास है तो उसके लिए तीन चीजें बोलना कंपल्सरी है, लेट्स स्टार्ट। आई हैव गॉट, और गॉट के बाद जो भी चीज है उस चीज का नाम बोल दी। कितनी घड़ी है? एक ही है। वॉच क्या? वॉच। तो मुझे बोलना मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव गॉट वॉच, आई हैव गॉट अ वॉच, आई हैव गॉट अ वॉच। सही दिया, आई हैव गॉट अ वॉच। अब ये यहाँ पर घड़ी की जगह मैं पेन की बात करूँ, मेरे पास पेन है, आई हैव गॉट अ पेन। क्या? आई हैव गॉट अ पेन। अब देखो ये जल्दबाजी मत करो, जो बोला गया उसको फॉलो करना है, लेट्स स्टार्ट। आई हैव गॉट गॉट अरिंग, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप भी जो अगर बताना चाहे अपने पास जो चीज है वो बिल्कुल बता सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपके घर पे टीवी? यस। तो वो आपकी है? बिल्कुल बोलिएगा, लेट्स स्टार्ट। मेरे पास टीवी है, आई हैव गॉट अ टीवी, आई हैव गॉट अ टीवी, आई हैव गॉट अ टीवी। सुनाई दिया, आई हैव गॉट अ टीवी, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कई ऐसी चीजें भी होगी जो हमारे पास होती नहीं है, जैसे कई बार है बहुत सारी चीजें है नहीं है हमारे पास, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसी कोई चीज जो मेरे पास नहीं है, जैसे अगर मैं हकीकत बात करूं तो मेरे पास कार नहीं है, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने खरीदी भी नहीं है, क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता चलाने का, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे बड़ा इश्यू आता है कि उसको रखेंगे कहाँ पर, सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है, लेट्स स्टार्ट। अब अगर मेरे पास कार नहीं है, मुझे बोलना है कि मेरे पास ऐसी चीज नहीं है, लेट्स स्टार्ट। जो चीज नहीं है उसको कैसे बताएंगे इंग्लिश में कि मेरे पास ये चीज नहीं है, लेट्स स्टार्ट। आई हैव। अब थोड़ा सा रुकिएगा, हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे, और जब हैव के साथ नॉट का यूज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में
जोड़ कर इंग्लिश मिक्स करके जो इंग्लिश बोली जाती है, हैव में अगर नॉट मिक्स करेंगे आप तो बोलेंगे हैवंट, हैवंट, दिया हैवंट, हैवंट। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मेरे पास कार नहीं है, लेट्स स्टार्ट, आई हैवंट गॉट अ कार। रूल वही रहेगा, बस हैव के बाद नॉट का यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कार नहीं है, लेट्स स्टार्ट, आई हैवंट गॉट अ कार। क्या अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर वाली चीज मेरे पास नहीं है, लेट्स स्टार्ट, मुझे बोलना है कंप्यूटर नहीं है मेरे पास, आई हैवंट गॉट अ कंप्यूटर। अगर आप अपने हिसाब से बोलेंगे तो ठीक बोलेंगे, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, मुझे बोलना है मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एक साथ फ्लो में बोलेंगे तो आ जाएगा, I haven't got a laptop। कई बार क्या होता है तेज इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि इंग्लिश को तोड़ तोड़ कर बोलते हैं, इसीलिए पूरे फ्लो में बोला करो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे मेरे बाल जो है ना वो ब्लैक से ग्रे हो रहे हैं, लेट्स स्टार्ट, व्हाइट नहीं बोलेंगे, व्हाइट नहीं हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अब कुछ दिनों बाद मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, हाँ कलर करेंगे, लेट्स स्टार्ट, बालों में कलर लगाना, डाई द हेयर, सुनाई दिया, डाई द हेयर, आज नहीं करूंगा मैं इसको, संडे के दिन करूंगा, लेट्स स्टार्ट, जो संडे आ रहा है ना कमिंग संडे उस दिन करेंगे, लेट्स स्टार्ट। अब ऐसा काम कब करूंगा मैं, फ्यूचर में ही करूंगा ना, तो अब मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि संडे को मैं बालों में कलर करूंगा, लेट्स स्टार्ट, आई अब फ्यूचर के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज होगा, विल का यूज होगा, आई विल, आई विल डाई द हेयर ऑन संडे। जब भी कोई दिन हो, कोई डेट हो, डे और डेट के पहले हमेशा ऑन का यूज किया जाता है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे बोलना है, आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, लेट्स स्टार्ट, मुझे मालूम है, देखो आप लोग बैग लेकर आते हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पास बैग है, लेट्स स्टार्ट। तो अगर मुझे यहाँ से इंग्लिश आपके लिए बोलना है कि आपके पास ये चीज है, लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो जो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं प्लीज वो लोग आर्मी और डिफेंस को ज्वाइन मत करना, लेट्स स्टार्ट, नहीं तो अगर कर्नल आपसे बोल दे कमांडोस इधर कर्नल ढेर, हमने बंदूक दी थी तुम्हें तैयारी करने के लिए, कमांडोस पता चला कर्नल कर्नल सो रहे नीचे, लेट्स स्टार्ट। तो इतनी जल्दबाजी में अच्छा है कि मैं कम से कम इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं कर्नल होता ना तो मुझे मालूम था कि अभी तक तो नमस्ते हो चुके होते हैं, लेट्स स्टार्ट, अच्छी बात है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये हंसना वाला जो काम है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हंसते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेट्स स्टार्ट, आई फील गुड, क्या आई फील गुड, आई फील गुड, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, चलिएगा। कई बार तो मैंने ये देखा है कि कई लोग जब मतलब खुद इंग्लिश बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो अपने लिए बोल दिया अगर मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड, आई फील गुड, आई फील गुड। चलिएगा अभी हम बात कर रहे थे, मेरे पास कार नहीं है लेकिन कार मेरे बॉस के पास है। अच्छा किसी न किसी के पास तो होगी, मेरे बॉस के पास है कार, और बॉस कौन, थर्ड पर्सन, बॉस कौन है, थर्ड पर्सन। अब देखो बॉस में दो ही होंगे, या तो ही या शी। अब मैं किसी को हॉर्स को तो मैं नहीं लूंगा कि ये मेरा बॉस है, लेट्स स्टार्ट। तो दो ही चीजें क्लियर होंगी, लेट्स स्टार्ट, ही शी, इन दोनों में से कोई मेरा बॉस होगा, लेट्स स्टार्ट। मेरे पास कार नहीं है, आई हैवंट। अगर आप ये कहते हैं आई हैवंट कार तो समझ जाओ कुछ और होगा, आई हैवंट गॉट अ कार। समझ गए, एक का लगाना जरूरी है, आई हैवंट गॉट अ कार, क्या लेकिन अगर बोलना है मेरे बॉस के पास कार है, बॉस कौन है, थर्ड पर्सन के पास अगर कोई चीज है बताना है आपको तो थर्ड पर्सन के लिए बोल सकते हैं ही हैज गॉट इट, इट मतलब वो कार, वो
वो वाली चीज जो हम बोल रहे हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट चलिएगा अभी मैं आपसे बात करूँ। लेट्स स्टार्ट मुझे मालूम है आपके पास बैग है तो मैं नॉर्मल इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू यू हैव गॉट अ बैग का यू हैव गॉट अ बैग। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट यू यू हैव को बाहर निकालो Have you बाहर निकालो have you got a bag तो क्या बनेगा सेंटेंस क्या बनेगा have you got a car जब आपको लग रहा है जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं अभी आपको दिख तो नहीं रहा है कि किसी के पास सेल फोन है दिख रहा है नहीं दिख रहा ना तो आपको सामने वाले से जब पता करना कि उसके पास ये चीज है या नहीं किसी को नहीं मालूम कि मतलब कि सेल फोन है या नहीं। अच्छा कितने लोगों को मालूम है कि मेरे घर पर टीवी है या नहीं है मेरे पास टीवी है मालूम नहीं मालूम ना तो बोल तो नहीं सकते यू हैव गॉट अ टीवी बोल सकते नहीं बोल सकते। नेक्स्ट टाइम तो अगर मुझसे पूछना है आपको कि सर आपके पास टीवी है या नहीं तो कैसे पता हाँ कंफर्म कर रहे हैं वो चीज है या नहीं है टीवी क्या अब मेरे पास अगर मैं टीवी बताऊँ तो मेरे पास टीवी नहीं है। नेक्स्ट टाइम नो नो अब मैं नो में आंसर दूंगा मेरे पास टीवी नहीं है नो नो आई हैव टीवी बट मेरे चाचा जी के पास बट माय अंकल हैज गॉट इट पर याद रहना गॉड के बाद इट तक ही सीमित रहना। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट अच्छा थोड़ा सा और फोकस करिएगा। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट जो जिससे आप लोग बात करते हैं ना उसको बोलते हैं मोबाइल मोबाइल सुनाई दिया मोबाइल दूसरा नाम है सेल फोन सेल फोन सुनाई दिया। अगर किसी हाथ किसी व्यक्ति के हाथ में आप देखते हैं घड़ी नहीं है लेट्स स्टार्ट दिख रहा है कोई वॉच नहीं है लेट्स स्टार्ट आप उससे क्या सवाल पूछेंगे उसके पास घड़ी है या नहीं है अब आपको अगर नहीं है उसके पास तो वो जवाब दे देगा नो नो आई हैवंट गॉट अ वॉच लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट।